मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार मित्रों, शुभ प्रभात है आप सभी को। मित्रों, आज सुबह की लेटेस्ट न्यूज के साथ मित्रों आपका परिवार यानी कि धर्मेंद्र अकेडमी आपके साथ हाजिर है। डीएलएड फर्स्ट एवं यानी 2019 एवं 18 बैच के लिए एक सबसे बड़ी अहम न्यूज निकल कर रही है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि पीएनपी सचिव जी का जो बयान आया था कि आपकी परीक्षाओं के लिए शासन को प्रस्ताव भेजेगा, अब वहीं पर एक और उनके द्वारा पब्लिक डोमेन में जो न्यूज़पेपर के माध्यम से बयान जारी किया गया है कि डीएलएड की परीक्षाओं के लिए अभी कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी ही आपकी परीक्षाओं को लेकर के प्रमोट को लेकर के निर्णय लेगी। जी हां मित्रों, तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि डीएलएड 18 एवं 19 बैच के लिए प्रमोट के लिए कमेटी का होगा गठन, और कमेटी के गठन के पश्चात क्या कुछ उसमें फैसले लिए जाएंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे मित्रों। और वहीं पर आपका जो अभियान है, ट्विटर एक अभियान है, वो काफ़ी जोर जोर से ट्रेंडिंग में रहा है उत्तर प्रदेश में। प्रमोट के लिए करने के लिए जो अभियान आपके लिए चलाया जा रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे मित्रों। तो आप एकजुट रहिए, आपकी एकजुटता ही आपकी सफलता की सीढ़ी बनेगी और आपको एक दिन जल्द ही आपको इसके लिए सफलता के लिए आपको एक खुशखबरी भी मिलेगी मित्रों। चलिए, आप भी इससे संबंधित हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टुडे की जो लेटेस्ट न्यूज है हिंदुस्तान पेपर की, डीएलएड परीक्षाओं को पर कमेटी का लेगी निर्णय। डीएलएड की परीक्षाओं को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। डीएलएड के हर सेमेस्टर में स्कूलों में पढ़ाने का प्रशिक्षण होता है। मार्च से स्कूलों में छुट्टी होने के कारण अभी तक यह प्रशिक्षण नहीं हो पाया है। वहीं पहले सेमेस्टर के विद्यार्थियों को किस आधार पर औसत नंबर दिए जाएंगे, ये और ऐसे ही कुछ सवालों के कारण डीएलएड के लिए एक कमेटी गठित कर पास करने का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। तो जी हां मित्रों, आप सभी के लिए जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है कि आपकी परीक्षाओं में को जो प्रमोट का जो रखा जाएगा, तो प्रमोट के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी उस गठन के पश्चात उस पर आपकी परीक्षाओं को यानी आपको प्रमोट के लेकर के किस तरह यूजीसी की गाइडलाइन या शासन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किस तरह आपको प्रमोट करने का जो फॉर्मूला तैयार करती है, यानी कि एक प्रारूप यानी कि एक रूपरेखा तैयार करेगी, उसके पश्चात एक शासन के पास में उच्च स्तरीय बैठक होगी, फिर उसमें इसको पास किया जाएगा। तो ये इसकी प्रक्रिया करने में थोड़ा सा समय लग सकता है मित्रों, इसलिए आप बिल्कुल से धैर्य बनाए रखिए, जल्दी इसका भी निर्णय आपको देखने को मिलेगा मित्रों। वहीं पर एससीईआरटी ने उच्च शिक्षा परिषद के नियमों के मुताबिक परीक्षा नियामक प्राधिकारी से प्रस्ताव मांगा है, लेकिन डीएलएड प्रशिक्षण का कोर्स है, लिहाजा इस पर निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। उच्च शिक्षा में आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं और बाकी सेमेस्टर को प्रोन्नत करने का आदेश जारी किया गया है, यहाँ पर भी स्पष्ट तरीके से लिखा गया है, लेकिन विभाग इसे अक्षर से अक्षर मानने से बच रहा है। तो एससीईआरटी के द्वारा आपके लिए जो प्रस्ताव है, क्या कुछ नियम है, मुताबिक परीक्षा नियामक प्राधिकारी से कमेटी गठित होगी, कमेटी का क्या कुछ निर्णय रहेगा, क्या कुछ उस फॉर्मूला तैयार करेंगे, और जाहिर सी बात है वही शासन और यूजीसी के अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्मूला जो है एक फॉर्मेट तैयार होना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जल्दी यह भी निर्णय हो जाएगा और इसके लिए जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको तुरंत दिया जाएगा। वहीं पर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपका जो ट्विटर अभियान है वो ट्रेंडिंग कर रहा है उत्तर प्रदेश में और भिन्न भिन्न न्यूज़पेपरों में भी आपका छाया हुआ है, जिसे आप देख पा रहे हैं कि प्रमोट करने के लिए अभियान डीएलएड 18 एवं 19 बैच के प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर साइट पर ट्विटर पर लगातार अभियान चला जा रहा है एक निश्चित समय पर और पर डे रेगुलर अब ये चलाया जा रहा है। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने सरकार से इस बारे में तत्काल निर्णय लेने की मांग की है और आप सभी की एकजुटता और आपके एक सफल प्रयासों को नमन है मित्रों। और आपकी जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में ट्रेंडिंग पर रहा है आपका सेकंड नंबर पर प्रमोटेड यूपी डीएलएड, जो कि सबसे अहम है, आपकी एकजुटता को दर्शाता है और इसी पर आपकी कमेटी गठन होकर के जल्द ही यहाँ पर आपको निर्णय देखने को भी मिल सकता है। वहीं पर एक वर्ग जो है आपका अपनी परीक्षाओं से यानी अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं से असंतोष है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, कल भी छात्र संघ भवन पर विद्यार्थियों के द्वारा सरकार और यूजीसी का पुतला फूंका गया था। वहीं पर मंगलवार को भी फिर यही प्रक्रिया अपनाई गई कि आप देख पा रहे हैं परीक्षार्थियों के विरोध में किया गया प्रदर्शन। तो विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं करा जाने के निर्णय के विरोध में मंगलवार को भी समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अखिलेश गुप्ता, गुड्डू
ने कहा कि इस समय छात्रों के जीवन से खिलवाड़ होगा। प्रदर्शन में छात्र नेता अजय सम्राट यादव आदि ये सभी मौजूद रहे। तो ये जो है अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर के जो एक आग सी सुलग रही है, थमने का नाम ले रही है। बार बार प्रत्येक विद्यार्थियों का एक गुट यानी कि छात्र संघ बन चुका है और बार बार प्रत्येक दिन आपका विरोध देखने को मिलता है। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके लिए डीएलएड प्रमोट के लिए एक और लेटेस्ट और खुशखबरी के साथ। मिलते तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।